अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने घरों में होश आबाद होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करूं। वीकेंड पे हम लोग गए थे बारबेक्यू और कैंपिंग के लिए, और ये कॉर्निश एरिया में था और बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचर रहा ये। बिल्कुल लेट नाइट में हम लोग बच्चों के साथ गए और काफ़ी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये व्लॉग शेयर करूँ। यहाँ पे फरीशा ने कैट देख ली थी, बहुत ज़्यादा कैट्स थी यहाँ पे, और इसने कैट देख ली और बस उसको पकड़ने वाली थी किसी तरह उसको मैं पकड़ लूँ, और बिल्कुल नहीं डरी उससे, उसको देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और आलमोस्ट 2 AM का टाइम था, रात के 2 बजे का टाइम था, और समंदर भी था बिल्कुल पास ही, और फ़िशिंग भी की, लेकिन फ़िशिंग का कुछ खास नहीं रहा सीन, लेकिन बारबेक्यू वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। यहाँ पे अब हम लोग बारबेक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। मसाला वगैरह मैंने पहले से ही लगा के रखा हुआ था, मैरिनेट करके ऑलरेडी रखा हुआ था, बस पैक किया और अभी स्टार्ट किया है इसको। फरीशा जो है यहाँ पे काफ़ी तंग कर रही थी कि बस मुझे उठा लें किसी तरह ना, तो हमें बारबेक्यू नहीं थी करने दे रही क्योंकि काफ़ी रात का टाइम था और बच्चों को नींद भी आ रही थी, लेकिन बस हम लोगों को ये एडवेंचर करना था। तो यहाँ पे बारबेक्यू हमारा ऑलमोस्ट डन था, अब हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, और खाना खाने के बाद हम लोगों ने फिर कोयलों पर ही चाय रखी और ठंड में चाय कभी इंजॉय किया तो, क्योंकि विंटर सीज़न में तो चाय तो वैसे भी मेरी मोस्ट फेवरेट है, तो सर्दी हो या गर्मी ये तो मैं लाजमी पीती ही पीती हूँ। तो यहाँ पे फिर कोयलों पे ही चाय बनाई और चाय भी पी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑन द वे हमें शेख साइद मॉस्क भी नज़र आई, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है। तो मैंने सोचा ये भी छोटा सा वीडियो क्लिप ऐड कर लूँ इसमें ताकि आप लोग भी देख सकें। तो चलें मिलते हैं एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अल्लाह हाफिज़।